गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो स्कॉर्पियन के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिया था, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ लिया था, और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्कॉर्पियन होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसके अंदर कैसे होती है, कैसे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। तो देखो स्कॉर्पियन के अंदर क्या होता है, स्कॉर्पियन के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएँ पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, बुकलम। क्या बोलते हैं जिनको, बुक लंग। इन बुक लंग के द्वारा, इन बुक लंग्स के द्वारा क्या होता है इसके अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर बुक लंग के द्वारा स्कॉर्पियन के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब ये देखो ये बुक लंग प्रजेंट क्या होती है, स्कॉर्पियन की जो बॉडी होती है उसके अंदर कहाँ प्रजेंट होते हैं, है ना। तो ये देखते हैं अपन, इसके अंदर जो स्कॉर्पियन की जो बॉडी है उसके वेंट्रली और लेटरली साइड में चार जोड़ी, कितने, चार जोड़ी यानी फोर पेयर बुक लंग प्रजेंट होते हैं दो वेंट्रली लेटरली साइड में, और जो मिजोसोमा वाला भाग है मिजोसोमा वाले भाग में, और जो प्री अब्डोमिनल कैविटी है प्री अब्डोमिनल कैविटी में, प्री अब्डोमिनल जो इंटेस्टाइन है उसके वो उसके उस वाले भाग में, और जो मिजोजोमा वाला भाग है इसके वेंट्रली और लेटरली साइड में, जो तीसरा खंड है मतलब तीसरे खंड से लेके और छठे खंड यानी थर्ड वाला जो सेगमेंट है और सिक्स वाला सेगमेंट है, थर्ड से लेके सिक्स वाले सेगमेंट तक इसमें चार जोड़ी जो बुकलंग होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और देखो ये जो बुकलंग होते हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर होती है। ये जो एक्टोडर्म से डराइव होते हैं, इसकी जो उत्पत्ति होती है बुकलंग की वो कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है बुकलंग की वो एक्टोडर्म से होती है, देखा, ठीक है। अब देखो ये जो बुकलंग है ये किस तरीके से इसके अंदर कैसी क्या होता है, किस तरीके से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है स्कॉर्पियन के अंदर इन बुकलंग के द्वारा, ठीक है। अब देखो ये जो बुकलंग है इसके अंदर अपन देखते हैं बुकलंग किससे बना हुआ होता है, बुकलंग जो दो क्यूटिकल की परतों से बना होता है, और ये जो बुकलंग होता है उसे बुकलंग में बुक के समांतर एक दूसरे के समांतर, ये जो बुकलंग होते हैं एक दूसरे के समांतर और बुक के पन्नों की भांति, पुस्तक के पन्नों की भांति ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनकी जो व्यवस्था का क्रम हुआ वो एक दूसरे के समांतर पुस्तक के पन्नों की भांति एक दूसरे में व्यवस्थित होते हैं, और ये जो इसके अंदर बुकलंग के अंदर लैमेली पाई जाती हैं, और जो लैमेली किससे बनी होती हैं, एक लैमेली जो दो पतली क्यूटिकल की जो लेयर होती है उनसे ये जो लैमेली वो बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो बुकलंग है ये दो चैम्बर का बना होता है, क्या इसके अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट तो है इसके अंदर एट्रियल चैम्बर, सेकंड है इसके अंदर पल्मोनरी चैम्बर, क्या है बच्चों, पल्मोनरी चैम्बर। फर्स्ट तो है एट्रियल चैम्बर और सेकंड है इसके अंदर पल्मोनरी चैम्बर। अब देखो जो एट्रियल चैम्बर होता है वो कहाँ कैसा होता है बुकलंग, देखो ये जो है ये बुकलंग की संरचना है, इसमें देखो ये स्टर्नम के थ्रू जो बुकलंग होता है स्पाइरिकल या स्टिग्मा के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। ये देखो इसमें एट्रियल चैम्बर है और ये इसके अंदर लेमिली प्रेजेंट होती है, देखो बुक के पन्नों की भांति एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं ये लेमिली, ठीक है। ये बुकलंग है, एक बुकलंग है ये, और ये इस बुकलंग को अंदर से इसका टीएस लेने पर, इस बुकलंग का टीएस लेने पर ये बुकलंग ऐसा दिखता है, देखो ये एक बुकलंग की संरचना, टीएस ऑफ बुकलंग, बुकलंग की स्ट्रक्चर है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, दो चैम्बर में डिवाइड होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, दो चैम्बर में डिवाइड होता है ये बुकलंग। एक तो होता है एट्रियल चैम्बर और दूसरा होता है पल्मोनरी चैम्बर। एट्रियल चैम्बर में देखो क्या होता है, ये जो एट्रियल ये वाला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर है, ये क्या है, एट्रियल चैम्बर। कौन सा एट्रियल चैम्बर है, एट्रियल चैम्बर डायरेक्ट वायु के संपर्क में रहता है, वायु के संपर्क में होता है स्टिग्मा से
होते हुए इसके अंदर जो वायु है, एयर है, वो प्रवेश करती है इस एट्रियल चैम्बर में, ठीक है। एट्रियल चैम्बर में वायु प्रवेश करती है और देखो इस एट्रियल चैम्बर में जो वायु भरी रहती है, जो पूरा एट्रियल चैम्बर है वायु भरी, इसके अंदर वायु भरी होती है। और ये तो है एट्रियल चैम्बर, और ये वाला इतना वाला भाग है ये क्या है, पल्मोनरी चैम्बर। कौन सा चैम्बर? पल्मोनरी चैम्बर। ये देखो ये पल्मोनरी चैम्बर होता है, पल्मोनरी चैम्बर के अंदर देखो क्या प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी चैम्बर के अंदर देखो इंटरलेमिलर स्पेस कंटेनिंग एयर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरलेमिलर स्पेस कंटेनिंग लेमिली प्रेजेंट होती है। जो पल्मोनरी चैम्बर होता है उसके अंदर लेमिली प्रेजेंट होती है। ये लेमिली हैं देखो ये वाली, ये वाली क्या है, ये लेमिली हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर देखो ये जो ये तो है इंटरलेमिलर स्पेस, ये जो इंटरलेमिलर स्पेस है ये लेमिली है, और दो लेमिली के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरलेमिलर स्पेस। क्या प्रेजेंट होता है? इंटरलेमिलर स्पेस। ये दो लेमिली हैं, एक तो ये है और एक ये है। और जैसे एक ये एक लेमिली को, दो लेमिली को लेते हैं, एक तो लेमिली ये है और एक लेमिली ये है, दो लेमिली के बीच में ये क्या प्रेजेंट होता है, ये इंटरलेमिलर स्पेस, जिसके अंदर क्या भरी होती है, वायु या एयर भरी रहती है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, लेमिली कंटेनिंग ब्लड। लेमिली की ये है लेमिली, लेमिली के अंदर क्या भरा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इन जो इंटरलेमिलर स्पेस के अंदर एयर भरी रहती है और लेमिलर कंटेनिंग लेमिली के अंदर क्या भरी रहती है, ब्लड भरा रहता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो ये जो एट्रियल चैम्बर है ये भारी वातावरण बाहर से संपर्क रहता है, स्टिग्मा के थ्रू बाहर खुलता है, इसी के स्टिग्मा के थ्रू इसके अंदर एट्रियल चैम्बर के अंदर जो वायु है, जो एयर है, वो प्रवेश करती है, ठीक है, एट्रियल चैम्बर के अंदर। और ये जो एट्रियल चैम्बर की जो छत है वो उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। ये जो ओस्टिया होते हैं वो कहाँ पर खुलते हैं, यहाँ पर। ये जो इंटरलेमिलर स्पेस है, इंटरलेमिलर एयर स्पेस है ना, यहाँ पे ये जो ओस्टिया हैं यहाँ पे खुलते हैं, इन ओस्टिया के थ्रू इसके अंदर वायु प्रवेश करती है और इसके अंदर वायु प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखो फिर है पल्मोनरी चैम्बर। पल्मोनरी चैम्बर के अंदर लेमिली प्रेजेंट होती हैं, लेमिली प्रेजेंट होती हैं, और लेमिली दो लेमिली के बीच में एयर स्पेस पाया जाता है, जिसको इंटरलेमिलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और इंटरलेमिलर स्पेस है इसके अंदर, इंटरलेमिलर स्पेस है, ये जो इंटरलेमिलर स्पेस है इसके अंदर क्या भरा रहता है, इन इंटरलेमिलर स्पेस के अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है। और ये जो लेमिली होती हैं इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और ये ऊपर क्या, पल्मोनरी वेन, जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाए तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करती हैं, ये ब्लड को पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। उसके पेरिकार्डियल कैविटी से फिर ये हार्ट में जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम में अपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो जो एट्रियल चैम्बर है, पल्मोनरी चैम्बर है, इनके बारे में अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं इसका, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ बुकलंग, बुकलंग के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। देखो ब्लड कहाँ से आता है इसके अंदर, हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने जो रेस्पिरेशन पढ़ा, सॉरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, सर्कुलेटरी जो सिस्टम पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो साइनस होते हैं, डोर्सल साइनस है, जो लेटरल साइनस है, और जो पेरिविसरल साइनस, उसके उसमें डीऑक्सीजनेटेड शरीर के, मतलब शरीर के विभिन्न भागों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली किस में डाला जाता है, वेंट्रल साइनस में डाला जाता है, ठीक है। किस में डाला जाता है, वेंट्रल साइनस में डाला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि बॉडी के विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है वो कलेक्ट किया जाता है और वेंट्रल साइनस में डाला जाता है। अब ये जो वेंट्रल साइनस है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है बॉडी के विभिन्न भागों से। अब ये जो वेंट्रल साइनस है अब ये क्या करता है, ये डाइवर्टिकुला के थ्रू कहाँ पे, बुकलंग में। अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि जो वेंट्रल साइनस है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के विभिन्न भागों से इकट्ठा हो जाता है और वो
फिर डाइवर्टिकुला के द्वारा कहाँ पे प्रवेश करता है, बुकलंग में प्रवेश करता है ना, बुकलंग में प्रवेश करता है। अब ये जो बुकलंग है यहाँ पे ये देखो ये लेमिली प्रेजेंट होती है और इसके अंदर ये डिओक्सीनेटेड ब्लड भरा रहता है, ठीक है। अब ये देखो वहाँ से वेंट्रल साइनस से ब्लड वेंट्रल साइनस से ब्लड कहाँ पे जाता है, बुकलंग में, किसके थ्रू जाता है, डाइवर्टिकुला के थ्रू जो ब्लड है वो वेंट्रल साइनस से, डिओक्सीनेटेड ब्लड है वो वेंट्रल साइनस से किस में जाता है, बुकलंग में। और बुकलंग में एक लेमिली प्रेजेंट होती है, ये लेमिली देखो ये वाली लेमिली, ये लेमिली प्रेजेंट होती है, इन लेमिली में आकर ये जो ब्लड है डिओक्सीनेटेड ब्लड है इन लेमिली में भर दिया जाता है ये ब्लड, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें ब्लड, फिर ये जो यहाँ पे जो ब्लड है यहाँ पे और इसके अंदर एयर भरी रहती है और ये डिओक्सीनेटेड ब्लड है और ये जो लेयर है इसमें क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में ब्लड क्या होता है, डिओक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो ब्लड इधर जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वैन के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वैन लेके जाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, ये पेरिकार्डियल कैविटी में, कहाँ लेके जाएंगे ये ब्लड, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ये ब्लड लेके जाएंगे, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी में फिर ये जो पेरिकार्डियल कैविटी से ब्लड किस में जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर बॉडी के विभिन्न भागों तक ब्लड की सप्लाई होगी। इस तरीके से ये ब्लड होता है वो इस तरीके से कैरी करता है, इसके अंदर बुकलंग के थ्रू ऐसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देखो मैकेनिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो क्रियाविधि है वो किस तरीके से होती है। देखो रेस्पिरेशन की क्रियाविधि के अंदर क्या, इसमें दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट तो कौन सी है, डोर्सो वेंट्रल मसल्स, ठीक है। और सेकंड कौन सी है, एट्रियल मसल्स। दो प्रकार की मसल्स होती हैं, डोर्सो वेंट्रल मसल्स और एट्रियल मसल्स। इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण इसका जो बुकलंग है इसके अंदर जो एयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और एयर भरी जाती है और बाहर निकाली जाती है। इस बुकलंग में एयर अंदर भरी जाती है और इनमें जो मसल्स होती हैं डोर्सो वेंट्रल मसल्स और एट्रियल मसल्स इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो बुकलंग में जो एयर भरी होती है बाहर निकाल दी जाती है। और जब इनमें इन मसल्स में क्या रिलैक्सेशन होता है तो ये इसके अंदर क्या है, बुकलंग में एयर भर दी जाती है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है डोर्सोवेंट्रल मसल्स और एट्रियल मसल्स पर डिपेंड करता है, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो एयर अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, एयर जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये रिलैक्सेशन में आता है, रिलैक्सेशन में रहता है, नॉर्मल कंडीशन होती है रिलैक्सेशन की होती है। देखो रिलैक्सेशन में क्या करता है, ये जो एयर होता है इसका जो पल्मोनरी चैम्बर होता है ये क्या होता है, पल्मोनरी चैम्बर फैल जाता है। फैलने इसमें वायु भर दी जाती है, वायु भरने से क्या पल्मोनरी चैम्बर फैल जाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन होता है तब तो ये होता है, जब इन दोनों मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो लेमिली है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें मसल्स होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी, तो इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ये वाली यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो एयर कहाँ पे,
वो एयर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे के पास में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में इसमें जो एयर होती है वो एट्रियल चैम्बर में प्रवेश करती है। एट्रियल चैम्बर में स्टिग्मा या स्पाइरिकल, स्पाइरिकल भी बोल सकते हैं स्टिग्मा को, या स्पाइरिकल के थ्रू वो एयर बाहर निकाल दी जाती है बॉडी से, है ना। अब देखो रिलैक्सेशन की कंडीशन में होगा ये मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन होगा तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें रिलैक्सेशन होगा इन मसल्स में, तो इस स्टिग्मा के थ्रू एट्रियल चैम्बर में एयर प्रवेश करेगी। प्रवेश करके ये जो इंटरलेमुलर स्पेस होते हैं, इन इंटरलेमुलर स्पेस के अंदर ये जो एयर है ये भरी जाएगी, ठीक है ना। इंटरलेमुलर स्पेस के अंदर ये जो एयर है ये भरी जाएगी। अब देखो इसमें यहाँ पे ये देखो ये क्या होती हैं, ये लैमिली होती हैं, और ये दो लैमिली हैं, दो लैमिली के बीच में ये क्या पाया जाता है, इंटरलेमुलर स्पेस। क्या है, इंटरलेमुलर स्पेस, जिसके अंदर क्या भरी रहती है, वायु। एट्रियल चैम्बर से होती है, इसके अंदर वायु भरी रहती है ना, वायु या एयर भरी रहती है इसके अंदर, और इसके बाहर दोनों तरफ ये दो लैमिली है, इसके अंदर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये दो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर एयर है, तो इसमें ये जो दोनों लैमिली है और ये इंटरलेमुलर स्पेस और लेमिली, दोनों एक पतली क्यूटिकल की परत के थ्रू दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड और क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ये एयर है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और एयर एक पतली क्यूटिकल की जो लेयर होती है उसके द्वारा पृथक होते हैं। और ये जो पतली क्यूटिकल की लेयर होती है, देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये तो क्या है एक इंटरलेमुलर स्पेस है, और इसके दोनों तरफ ये क्या है, ये इसके दोनों तरफ क्या हैं, ये लैमिली हैं, ठीक है, ये लैमिली हैं और ये इंटरलेमुलर स्पेस है। ये दो लैमिली हैं, दो लैमिली के बीच में इंटरलेमुलर स्पेस है, एयर स्पेस है। इसके अंदर तो क्या भरी होती है, एयर भरी रहती है, क्या भरी रहती है, एयर भरी होती है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर वायु भरी होती है। इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इस ब्लड के अंदर क्या है, CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन विधि के द्वारा इसमें O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, O2 ज़्यादा है, ठीक है। जब डिफ्यूजन विधि होती है उसमें क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यहाँ पे किसका ज़्यादा है, CO2 का ज़्यादा है और यहाँ पे O2 का ज़्यादा है। जिधर कम होगा उधर की साइड में देखो जो एयर है यहाँ पे वो CO2 कम है, तो ये जो एयर है CO2 ये एयर इसमें इंटरलेमुलर स्पेस में प्रवेश करेगी, और ये O2 है ना ये इधर इस लैमिली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, और O2 का इसके अंदर इंटरलेमुलर स्पेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, और इस O2 का कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन का इस ब्लड या लैमिली के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा O2 का, और उस ब्लड से जो CO2 है उस ब्लड में जो प्रेजेंट CO2 है वो कहाँ पे आएगी, इस इंटरलेमुलर स्पेस के अंदर प्रवेश करेगी, है ना। तो ये O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है, विसरण विधि के द्वारा होता है। तो देखो फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड था तो इसके अंदर वायु भर गई, इस O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में क्या हो गया, ये जो ब्लड है ये वापस इसमें ब्लड जा रहा है, ये ब्लड क्या है, अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसमें था, अब ये जो ब्लड जा रहा है शुद्ध होकर जा रहा है इसमें, इस ब्लड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर क्या है, O2 की मात्रा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी O2 ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वैन के थ्रू पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये मसल्स रिलैक्सेशन हुआ इसमें O2 रिलैक्सेशन, इन मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होने से इसके अंदर एयर भर गई, एयर भरने से O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो इन मसल्स में क्या होगा, अब इस मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो मसल्स हैं इनमें क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो एयर है इसके अंदर, ये इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती हैं ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद, ये जो एयर है इसमें मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो एयर है ये एट्रियल चैम्बर में आती है, कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो इसकी जो एयर इंटरलेमुलर स्पेस के अंदर जो एयर भरी रहती है ये बाहर निकल जाती है, एट्रियल चैम्बर में प्रवेश करती है, एट्रियल चैम्बर के थ्रू ये बाहर स्टिग्मा के थ्रू ये बाहर
बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होती है, ठीक है।